देवगढ़ का बाम्बू होटल बहुत हाउसफुल है, बहुत फुल चलता है होटल। तो रेस्टोरेंट बंगला रेस्टोरेंट लिया मैंने, सोल कड़ी भी लिया हूँ, सोल कड़ी, सोल कड़ी बोलते हैं। ले जाने के लिए मैंने बाइक अपनी यहाँ पार्क किया है और इसका टिकट है 20 रुपये, 20 रुपीज़ फॉर टू व्हीलर। तिरुवनंतपुरम फोर्ट में जा रहा हूँ यहाँ टिकट लेके, और ये सिटी में, हिमालयन सिटी में ही है। कितनी टिकट है किला ज़्यादा? 90 रुपये पर पर्सन। एक क्या एक हाथ में है, 90 रुपीज़ टिकट है। आता आता कोणत्याही बोटीने त्यावेळी येऊ शकतो ना? हॅलो, ओके सर, थँक्यू सर, थँक्यू। दीड तासात यायचं, तिथे पोचल्यापासून तुम्हाला जर्नलिस्ट साहेब 1.5 आवर मिळते आपको घूमने के लिए। टिकट है 90 रुपीज़ का पर पर्सन। वहाँ लाइन लगी है, चलते हैं। जेटी है यहाँ की, आपको दिखाते रहेंगे। ये सामने किला है, यहाँ जाना है 90 रुपीज़ पर हेड टिकट। यहाँ से लाइन से निकल जाओ। मास्क कंपलसरी है वरना फाइन है। अच्छी चीज़ें हमें रूल को फॉलो करना है, जहाँ कहीं भी हो, सबकी सेफ्टी, खुद की भी सेफ्टी। चलते हैं, लाइट लेफ्ट, लाइट लेफ्ट, लाइट लेफ्ट। दादा नया वीडियो करा। शेजाऱ्याने आधी घ्या, हो हो, नक्की नक्की। कुठून आले तुम्ही? आम्ही नवी मुंबईचे, मी मेरवाडून आले। वन साइड आहे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम सिंधुदुर्ग फोर्ट की हिस्ट्री बता देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि इंग्लिश, डच, फ्रेंच और पुर्तगीज़ मर्चेंट्स यानी ताजिर, इनका इन्फ्लुएंस एरिया में बहुत बढ़ रहा है और इन्होंने बहुत सारे किलों पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो इनको रोकने के लिए। और नंबर दो, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो जंजीरा है वहाँ पे सिद्दी नवाब थे, तो इनका जो इन्फ्लुएंस जो है इनका भी काफ़ी बढ़ रहा था, तो इसको रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये डिसाइड किया कि उनका भी अपना एक किला होना चाहिए। अदरवाइज़ वो ज़मीन पे तो दिल्ली तक और गुजरात तक कहाँ कहाँ तक जा चुके थे। तो ये ख्याल जब उनके दिमाग में आया, उनके जहन में आया, तो उन्होंने अपने ख़ास लोगों को ऑर्डर किया कि आप कोकण के किसी भी इलाके में जो हमारे लिए सेफ़ हो, ऐसा कोई आइलैंड ढूंढो या कोई ऐसी ज़मीन ढूंढो जो समंदर में हो, जहाँ पे किला बनाया जा सके। तो एक्सपर्ट्स ने पूरा सुपरविज़न किया, देखा, यहाँ वहाँ पे ढूंढा, तो उन्हें सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के मालवन जो सिटी है, तो वहाँ के अरबियन सी में एक आइलैंड नज़र आया। उस आइलैंड का नाम था कुर्टे, या खुर्टे भी कहा जाता है उसे। तो खुर्टे आइलैंड जो है, जिस पे ये फोर्ट बना हुआ है, पूरा पथरीला था, पत्थर के टीले थे, पथरीला थोड़ा पहाड़ था, और ये तकरीबन 48 एकड़ ज़मीन का आइलैंड था। तो इसको सजेस्ट किया छत्रपति शिवाजी महाराज को किला बनाने के लिए। सिंधुदुर्ग फोर्ट बनाते वक्त ख़ास इस बात का ध्यान रखा गया कि किले का जो मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, वो किसी को भी समझ में नहीं आए, यानी इतना बेहतरीन जो पिन पॉइंट जो है ना, ऐसा बनाया कि दुश्मन जल्दी समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली इसका एंट्रेंस कहाँ पर है। और एंट्रेंस में देखिए, स्टार्ट में थोड़ा तंग है और बाद में मेन गेट के पास चौड़ा है, और दुश्मन घर कोई भी जाएगा तो उसको ऐसा राइट से लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, लेफ़्ट से राइट में जाना पड़ेगा। और जैसे दुश्मन अगर कभी गलती से आ जाए तो अंदर से फौजी तलवार के ज़रिए उसको काट पीट दे देंगे। इस किले को बनाने का काम 25 नवंबर 1664 में शुरू हुआ, और ये काम जो कंप्लीट हुआ 1667 में कंप्लीट हो गया। 48 एकड़ ज़मीन पे बनाया गया, और वेस्टर्न साइड में जो है, वेस्ट साइड में आइलैंड का कुछ पार्ट ओपन ऐसा छोड़ दिया गया ताकि दुश्मन वहाँ, उसके जहाज़ वहाँ आ जाए
और जब आएंगे तो नीचे पत्थर है, उसे टकरा के ख़त्म भी हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, और तब तक ऊपर से उनके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। किले की दीवारें समुंदर से 30 फुट ऊंचाई पर बनी हुई है और दीवारों की चौड़ाई जो वीट है 12 फुट चौड़ी है, और उन दीवारों में इतना मजबूत काम किया हुआ है, यानी चूना, गुड़ और उसमें और चीज़ें ऐसा मिला के मजबूत दीवारें बनी हुई हैं। इस किले के पत्थरों को जो इस्तेमाल किया गया वो अंदर आइलैंड में जो टीले थे, जो पत्थर थे, क्योंकि पथरीला था, उन्हीं को तोड़ के उनके अच्छे खासे पत्थर तराश कर एक किला बनवाया गया। किले का फाउंडेशन में 4000 पाउंड्स का लीड या सीसा वो इस्तेमाल किया गया ताकि किले का फाउंडेशन समंदर के नमकीन या खारे पानी से ख़राब ना हो। इसके लिए ख़ास तौर पर लीड का इस्तेमाल किया गया और बाद में फिर पानी का लेवल छोड़ के ऊपर आने के बाद रेत, चूना और गुड़ वगैरह इसका इस्तेमाल करके गाढ़ा बना के उसका कंक्रीट बना के मजबूत पत्थर की दीवारें बनाई गई। ये सामने नज़र आने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है जो उनके बेटे राजा राम ने छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद बनाया था। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को बिना दाढ़ी के बताया गया है और उनको कोली लोगों की तरह उनका अटायर या ड्रेस पहनाया गया और उनके सामने उनके दोनों थाइस पर उनकी इस्तेमाल की हुई तलवार रखी हुई है। अभी आपको सामने महादेव मंदिर नज़र आ रहा है। ये महादेव मंदिर में जैसे बेसमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, कुएँ जैसा एक है, दीवारों से उसकी दीवारें बनाई गई हैं और ये अंडरग्राउंड टनल बनाया गया है जो मालवन में बाहर जो सिटी है उस सिटी से भी 6 से 8 किलोमीटर दूर एक गाँव है ओझर, उस गांव के पास ये टनल निकलता है ताकि अगर दुश्मन अगर घेर ले और बहुत दिनों तक घेर ले, अनाज का स्टॉक ख़त्म होने को आ जाएगा, तो यहाँ से फौजी जो है इस टनल के जरिए उस गांव जाएंगे और वहाँ से अपने लिए राशन वगैरह लेकर आएंगे। और ये जो होल दिख रहे हैं पत्थर के, ऐसे दो होले, यहाँ पे मशाल रखी हुई रहती थी, तो ये मशाल उठा के ये फौजी या उनके जो नौकर थे लेके जाते थे और अंदर जब टनल में जाने के बाद जब तक अगर मशाल जल, इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल है, और अगर मशाल जलना ख़त्म हो इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनके लिए जान का ख़तरा है, तो वो वापस आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड पर जो है आपको कुआं नज़र आ रहा है मीठे पानी का, एक कुआं एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन के हिसाब से बना हुआ है क्योंकि किले में मीठे पानी का इंतजाम नहीं है, मीठा पानी नहीं है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके आर्किटेक्चर जो थे उन्होंने क्या किया कि ऐसे 3 है ना पानी के टैंक्स बनाए जिसमें वाटर इसका बारिश का जमा किया जा सके और उससे पानी इस्तेमाल किया जाता, और मई महीने में पानी ख़त्म हो जाए तो बाहर से कश्तियों से लेके आते थे। इस किले को पूरा बनाने तक जो सुपरविजन का खास काम किया वो थे हिरोजी इंदुलकर साहब। तो हिरोजी इंदुलकर साहब ने अपने बेहतरीन दिमाग और आर्किटेक्चर ख्याल से काम लेते हुए इसको एक अच्छा सा एक मॉन्यूमेंट तैयार करके दिया। अभी जो जिस सीढ़ियों से मैं चढ़ रहा हूँ ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट या एक ऑब्जर्वेशन टावर। यहाँ पे उनके फौज का जो सरदार होते थे वो यहाँ खड़े रह के पूरे चारों तरफ ऑब्जर्व करते थे कि कहीं कोई दुश्मन नहीं आ रहा, इसलिए इसको कहते हैं टहलनी बुरुज या ऑब्जर्वेशन बैशन कहते हैं। और अगर ख़तरा रहा तो ये जो झंडा आपने देखा यहाँ पे वो लोग झंडा लगा देते खतरे का ताकि बैरक्स में जो मौजूद फौजी हैं वो देख ले कि झंडा लग गया, खतरा है, हमको घेर लिया गया है, तो वैसे वो अपनी जंग की तैयारी करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में हॉर्न चलता था, जैसे हम लोग का है ना अशरफिया कहते हैं, रुपया कहते हैं, तो उस ज़माने में हॉर्न चलता था। ये देखिए ये सामने जो है दिख रहा है वो है साउथ वेस्ट गेट है छोटा सा, ये गेट की हाइट कम रखी गई खिड़की जैसे ताकि कोई भी अंदर अगर आना चाहे तो झुक के आएगा, दुश्मन अगर आएगा झुक के आएगा तो अंदर से फौजी जो उसकी गर्दन को काट देंगे। तो इस किले को बनाने के लिए 1,00,000 हॉर्न सोने के सिक्के और कुछ अब चांदी के सिक्के का भी इस्तेमाल हुआ, इतना खर्च आया। तो पैसा कहाँ से आया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो गुजरात की सूरत सिटी में जो लूट मार की थी उन्हीं पैसे से यहाँ पे किला बनाया। ये तोप जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर के पास रखी हुई है।
अब मैं आपको म्यूज़ियम लेके चलता हूँ। म्यूज़ियम का एंट्री फीस है 10 रुपये, 10 रुपये टिकट है। तो 10 रुपये म्यूज़ियम की एंट्री फीस और 5 रुपये किले की एंट्री फीस और 90 रुपये रिटर्न टिकट बाय बोट या शिप। इस म्यूज़ियम में मॉडल्स रखे हुए हैं, शिप्स के मॉडल्स, हथियारों के मॉडल्स और कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने के फोर्ट्स, जिन जिन फोर्ट्स पे वो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ओरिजिनल हैं और कुछ मॉडल से रिप्लिका है उसके बने हुए, और एक रेत की मूर्ति भी जैसी बनी हुई है। स्पेशल एपिसोड में बनाऊंगा इस म्यूज़ियम पे, एक सेपरेट रहेगा 5-6 मिनट का, जिसमें आपको पूरी म्यूज़ियम दिखाऊंगा, ताकि आपको वहाँ विज़िट करने से पहले मालूम पड़े क्या क्या चीज़ें हैं, वो हिसाब से आप स्टडी करके वहाँ पर पहुँच जाएँ। कुछ सिक्के ओरिजिनल रखे हुए हैं। इस सामने आपको दीवार से लग के एक टीले पर श्री चैतन्य महापुरुष मंदिर नज़र आ रहा है। ये 30 फुट हाइट की दीवारें, 12 फुट चौड़ी दीवारें, और इन ये दीवारों की लंबाई टोटल जो घेरा है वो 3 किलोमीटर का है, और इन दीवारों में टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। ऐसे ही टॉयलेट्स देखिए, उस ज़माने के टॉयलेट्स दीवार में, दीवार से सीधा पानी जो समंदर में गंदगी मिल जाएगी। तो ऐसे 40 से ज़्यादा टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो उस ज़माने में भी खास स्वच्छता का ख्याल रखा जाता था, ये टॉयलेट्स जो हैं, और विंडोज़ भी रखे हैं उसमें वेंटिलेशन के लिए और दुश्मन पे हमले के लिए भी, इस तरह से चीज़ें हैं। किले में अभी भी उस ज़माने की कुछ फैमिलीज, 18 फैमिलीज बाकी है। कुछ लोग जॉब नहीं होने की वजह से रोज़गार के लिए किले से बाहर निकल गए। एक मुस्लिम फैमिली भी है, और ये अभी आप देखेंगे गेट पे जैसे एंट्री करते हैं तो मेन गेट के ऊपर जो होता है नगार खाना, तो उस वक्त नगारा जो बजाने का काम जो था, नक्कारा, वो मुस्लिम लोग करते थे। तो एक मुस्लिम फैमिली भी इस किले में है जिनसे मैं मिला हूँ, और उनका स्टार्ट में जो मैंने आपको शंख वगैरह का जो बिज़नेस दिखाया, दुकान, वो उन्हीं की थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, हीरोजी इंद्रकर ने जब किला कंप्लीट किया तो उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज अपने खास सिपहसालार दौलत खान को साथ में लेकर आए थे और इस किले को आके विज़िट किया। उन्होंने हीरोजी इंदुलकर साहब को पूछा कि आपको क्या इनाम दो, चाहते थे सोने की अशरफियाँ, सोने के सिक्के दें। तो इंदुलकर साहब ने कहा, साहब महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझके आपके एक हाथ और एक पैर के निशाना चाहिए। तो उन्होंने उनके एक पैर और एक हाथ के निशान जो है ये पत्थरों पर ले लिए, वहाँ मार्किंग किया और उनका निशान ले लिया सीमेंट वाला सा रख के। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं वो आपको देखने मिलेगी। एक देखो यहाँ है, ये जो डिज़ाइन मंदिर जैसा बना हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ है कांच लगी हुई है और इसको एकदम छोटा ऐसा बनाया है जो क्लियर समय में आँखों से देख सकते हैं, कैमरे में परफेक्ट कैद नहीं हो रहा है। एक चीज़ यहाँ है और दूसरा इसी के ऊपर है, यानी एक तरफ पैर है, एक तरफ हाथ के निशान है। तो ज़माने का ये चीज़ को संभाल के रखे हैं। एक यहाँ पर है, ये देखिए हाथ का निशान छत्रपति शिवाजी महाराज का। जैसा मैंने कहा कि इस किले का काम 3 साल तक चलते रहा, 1664 से 1667 तक। छत्रपति शिवाजी महाराज अपर महाराष्ट्र से, कोल्हापुर वगैरह इस एरिया से 200 वडार समाज के पत्थर के जानकार लोगों को लेकर आए थे, और उन 200 मजदूरों ने 3 साल तक मुस्तकिल काम किया। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ नगार खाने के ऊपर। अगर गेट से किसी भी हालत में अगर आ भी जाए मजबूरी में कोई भी अगर दुश्मन, तो दुश्मन के ऊपर से गरम गरम तेल डालने के लिए या गरम पानी डालने के लिए यहाँ से सुराख बनाए हुए हैं। तो अगर नीचे से आ भी जाए और नीचे जो सिपाही अगर रोकने में नाकाम हो रहे हैं या दुश्मन हावी हो रहा है, तो उसके ऊपर तेल डालेंगे। ये देखिए पथरीला है पूरा, जिसको कश्ती का रास्ता नहीं मालूम तो उसकी तो कश्तियाँ टकरा के टूट फूट जाएगी। सिर्फ वहाँ के जानकार लोग ही प्रॉपर इन पत्थरों के दरमियान से रास्ता बना के हाई टाइड के वक्त यहाँ पर पहुँच पाते हैं। ये जेटी बनी हुई लंबी, अभी देखिए मैं जब आया था हाई टाइड था, अभी ये लो टाइड में कैसा समंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैसी कश्तियाँ पहुँचेगी। तो वो पहुँचने का रास्ता सिर्फ जो किले में हमेशा आने जाने वाले लोग उस ज़माने से जो थे, उस ज़माने के थे, वही जानते थे। तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सेफ ये फोर्ट था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। इस किले में एक छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए महल भी बना हुआ था, और ये महल था महादेव मंदिर से आगे लेफ्ट हैंड पे जो पानी का कुआं है, और पानी के कुएं के पास ही वहाँ पे उनके लिए महल बनाया हुआ था।
तो सिंधुदुर्ग किला जो है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में शुमार होता है। आप जब भी जाएं विज़िट करें, देखें, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है दिमाग। और मेन तो इसका गेट जो है बहुत ज़बरदस्त, इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया है सेफ्टी के लिहाज से। मैं आपको गेट थोड़ा दिखा देता हूँ। तो उस ज़माने की हिस्ट्री को आपको समझना है तो सिर्फ पत्थर देखोगे, जब तक आप हिस्ट्री को सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आप वहाँ जाइए। मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पेश की है। ये नगार खाना है जो काफ़ी मज़बूत और 3 मंजिला नगार खाना बना हुआ था, जो वक्त के साथ झीज टूट फूट मेंटेनेंस नहीं, फिर भी 350 साल से दीवारें खड़ी हैं और इतिहास की गवाही दे रही है। कोंकण का अपना इतिहास, छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी इतिहास, और छत्रपति शिवाजी महाराज की रवादारी जो सबको साथ में लेके चले। अगर उनका दिल ऐसा नहीं होता तो वो आते वक्त किले में फर्स्ट विजिट में अपने साथ दौलत खान को लेकर नहीं आते, और किले में कोई मुसलमान भी नहीं रहता। आज भी मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, हिंदू भी है, सब साथ में रह रहे हैं और सब एक साथ अपना इंटीग्रेशन और मोहब्बत भाईचारा को लेके चल रहे हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें सिखाया था। चलिए हम चलते हैं। किला देख के हो गया, इतिहास भी आपको हमने बता दिया। अभी आपका काम है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने कोई सजेशन हो तो दें। आपके पास कोई नॉलेज हो तो वो भी शेयर करें, सच्चा इतिहास जानने की कोशिश करें। चलें अभी हम चलते हैं, हमारी बैक जर्नी शुरू हुई और सिंधुदुर्ग से वापस जेटी की तरफ। विचार करते उनके सिंधुदुर्ग फोर्ट जाते वक्त, तो यहाँ की जेटी पे इसको बार डाइविंग का भी अरेंजमेंट है। देखिए इनके भी कॉन्टेक्ट नंबर है, वाटर स्पोर्ट्स। यहाँ जैसे पार्किंग सुबह में आए तो आपको बताया, ये सेफ पार्किंग है, पे एंड पार्क है और बहुत सेफ है। देखिए मैं अपनी बैग भी छोड़ के गया था, सामान भी, मैं किले में गया तो कोई यहाँ पे हाथ वाथ भी नहीं लगाया। और सुबह यहाँ पे एक मैडम बैठी थी खाला, तो उन्होंने बताया था बेफिक्र जाओ। तो थैंक यू, ये पार्किंग वाले लोग हैं और बहुत ज़िम्मेदार से काम करते हैं।